हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसा मंजर है। मंडी जिले का ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर भी इस सैलाब के आगोश में दिखा। ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बने इस मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी। ये मंदिर केदारनाथ जैसा दिखता है। 10 साल पहले जब मंदाकिनी ने रौद्र रूप धारण किया था, तब केदारनाथ मंदिर और नदी की धारा के बीच एक शिला आ गई थी और मंदिर सुरक्षित रहा था। अब हिमाचल में सैलाब से मचे हाहाकार के बीच एक बार फिर चमत्कार हुआ है। जहां एक ओर पुल, पहाड़ और बड़े बड़े मकान धराशायी हो गए, वहीं पंचवक्त्र मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ा है। मंडी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर 300 साल से ज्यादा पुराना है। इसे तत्कालीन राजा सिद्धसेन ने बनवाया था। शिव की नगरी मंडी में निर्मित प्राचीन मंदिर एक समृद्धशाली इतिहास का साक्षी रहा है। इस मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिव की प्रतिमा के कारण इसे पंचवक्त्र नाम दिया गया है, जो कि गुमनाम मूर्तिकार की कला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर को शिखर वास्तुशिल्प के आधार पर बनाया गया है। मंडी ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस मंदिर की काफी मान्यता है। बताया जा रहा है कि 100 साल बाद बाढ़ ने मंदिर के बगल में स्थित सुकेती खड्ड पर बने विक्टोरिया ब्रिज को भी अपने चपेट में ले लिया। लोगों ने कभी यहां ब्यास का ऐसा भयंकर रूप नहीं देखा था। इन सब के बीच पंचवक्त्र मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा है। मंदिर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन बाढ़ का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। मंडी में अभी भी बारिश हो रही है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें मंदिर का शिखर और उसके बगल का परिसर नजर आ रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।